हेलो गाइस, तो जैसे कि आपको पहले से पता होगा कि एसो बेट रेलियो स्टैंडर्ड पहले से ही अंडरबोल्ट है, लेकिन आज हम उसे विदाउट अंडरबोल्ट करके GTA 5 का गेम प्ले करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करना, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले मैं आपको गेम की सेटिंग दिखाता हूँ, फिर अंडरबोल्ट की सेटिंग दिखाता हूँ। तो गेम जो चल रही है वो चल रही है वेरी हाई प्लस अल्ट्रा सेटिंग पे, जो कि सबकी हाईएस्ट सेटिंग है गेम की। तो ये थी गेम की सेटिंग्स। रिफ्रेश रेट भी 144 हर्ट्ज है। अब मैं दिखाता हूँ पहले अंडरवर्ल्ड की सेटिंग। अंडरवर्ल्ड तो अभी मैंने ऑफ नहीं किया, मतलब जो स्टॉक अंडरवर्ल्ड है वही है, जैसे -0.125 वोल्ट पे। तो ये कंपनी ने स्टॉक अंडरवर्ल्ड करके दिया हुआ है। 5 मिनट पहले हम ऐसे ही खेलेंगे, 5 मिनट के बाद हम अंडरवोल्ट को ऑफ कर देंगे, मतलब 0-0 वैल्यू कर देंगे, जिससे अंडरवोल्ट ऑफ हो जाएगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन पे हो जाएगा, जैसे लैपटॉप बाकी आते हैं। तो लैपटॉप का जो फैन चल रहा है वो ऑटो मोड पे रहेगा, तभी हम चेक कर पाएंगे दोनों कंडीशन पे। तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो गेम मैंने इसके बाद खेली नहीं, तभी वही मिशन दोबारा करेंगे जो पहले किया था। पांच मिनट हम तभी खेलेंगे तभी आपको मतलब डिफरेंस पता लग जाएगा। अभी 5 मिनट खेलेंगे, 5 मिनट के बाद विदाउट अंडरबोल्ट खेलेंगे, तो डिफरेंस आपको पता लगेगा एक ही वीडियो में। थोड़ा गला खराब हो गया, खराश है। सर तो कुछ होया नहीं, फिर ते वजह FPS घट नहीं मिल रहे, इन्ने घट FPS। एक मिनट मैं इसे ऑफ कर देता हूँ अभी। यार FPS पे ध्यान जा रहे हैं बार बार, FPS घट क्यों मिलते पे अच्छ। लेट मी चेक द सेटिंग फर्स्ट। सेटिंग्स तो ओके है यार। ओए ओए गड्डी फंस गई। FPS से ध्यान आ रहा, मैं गड्डी सही नहीं चला पा रहा। कटगन टिकट तो दे देगा, कितने मुड़ना Lamborghini। Hey, open up, homie, give me some room.
92 तक मैंने मैक्स टेम्परेचर नोटिस किया है, 93 भी गया। ऑटो मोड फैन है, अभी मैं मैक्स मोड पे अगर कर देता हूँ तो 80 से 85 टेम्परेचर आ जाएगा। टेस्टिंग के लिए हम ऑटो मोड यूज करेंगे। चलो अब हम कर देते हैं इसे विदाउट अंडरबोल्ट। 93 तक हमने मैक्स टेम्परेचर, चलो 94 तक गया, तो अंडरबोल्ट के बाद इसे 94 के प्लस जाना चाहिए बिना अंडरबोल्ट किए अब से 90 प्लस जाना चाहिए, 90 प्लस ही 94 प्लस। तो ये गए हम सेटिंग में, तो करते हैं ऐसे 0 0 0 करता अप्लाई। चलो खेटोन ऑन स्टॉक हो गया, स्टॉक तो पहला थी ऑन था, मतलब विदाउट अंडरवोल्ट हो गया ऑन था। अब लैपटॉप अंडरवोल्ट नहीं है, प्लस जाना चाहिए अब तो टेम्परेचर। अगर 94 प्लस नहीं गया तो समझो कंपनी ने लॉक लगा के दिया हुआ है कि आप इसे अब छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते, तो वहाँ 95 शो हो गया, मतलब लॉक कोई नहीं है। हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं अंडरवोल्ट। ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा कुछ, FPS घट गए है, मे बी CPU बॉटलनेक कर लग गया वो। हाँ पहले 3.9 GHz पे चल रहा था, अब 3.56 पे आ गया। वो यहाँ खेतों में चुप जाते हैं, देखते हैं पुलिस पकड़ पाती नहीं पकड़ती। तो एक बार अभी तक गया टेम्परेचर 95 तक, तो 95 प्लस नहीं गया अभी तक। चलो 94 प्लस तो हो चुका है जो हमने चेक करना था, 1 डिग्री का फर्क पड़ा है। बाकी आप नोटिस करके बताना कि क्या बॉटलनेक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि FPS बहुत कम हो गए हैं अब। पुलिस वाले ने देख लिया, अच्छे नहीं छुप सकते अपन। इतना तगड़ा खेत आई पबजी मोबाइल चमता से पिछे निकल जाना थी। पिछे तो आऊंगी नहीं, आऊ नहीं, पिछे तो नहीं आंदियां पर नहीं आंदियां ना। हम मिशन अपना कंप्लीट हो जाना, आई पिछली गेम च नहीं कर पाए थे, पिछले गेम प्ले च 93। हाँ ये 90 से लेके 95 तक बीच में ही रह रहा है। जब अंडरवोल्ट था तो 89 के भी नीचे गया था, मतलब 90 के नीचे भी गया था, तो अब ये 90 और 95 बीच के अंदर मेंटेन कर रहा है और बूस्ट वैल्यू भी कम हो रही है। चलो टेक टू द बैक टू द डीलरशिप, ये चीज कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा मिशन तो हो जाएगा। ऐसे मिशन तो मैंने किए हुए हैं, जब मेरे पास क्रैक वाली गेम थी उसमें सारे मिशन मैंने कंप्लीट किए। ये मैंने परचेज कर ली थी बाद में, तो मैं ये खेली नहीं है।
अरे हो जाता ऑनलाइन खेलूंगा, पर खेल ही नहीं हो अभी। गड्डी खराब हो गई थी, मुश्किल होना है। SESOYM ऐसी कोड पता नहीं, अच्छी एफ में क्या फ्रेंड्रियल का कोड है याद ही। 95 तो नहीं जा रहा टेम्परेचर, एक बार भी 95 प्लस शो नहीं होया। हाँ ऑन हो गया जिमें खोले आम ही शो हो गया 96। वो तो मैं जा के थे रहा हूँ। हाँ थोड़ा बॉर्डर लैग कर रहा था। देखो FPS, देखो FPS कितने कम हो गए हैं। FPS कम होने का कारण यही है कि हीटिंग ज़्यादा हो गई है, तो उसे हम कर देते हैं बंद। देखते हैं फिर FPS द्वारा मेंटेन कर पाता नहीं कर पाता। तो लैपटॉप दोबारा अंडरवोल्ट हो चुका है। तो धीरे धीरे FPS बढ़ रहे हैं। हाँ तो FPS देखो धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड करने से FPS बढ़ गए हैं। और फैन की साउंड भी बिल्कुल नहीं आ रही ऑटो मोड पे है, लेकिन कम है। ऑटो मोड को ऑटोमेटिक मेंटेन करना चाहिए, फैन की स्पीड को आप खुद ही उसे मैक्स मोड पे करना चाहिए। ऑटो मोड का यही तो मतलब होता है कि कूलिंग टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करें। टेम्परेचर भी हाँ, FPS भी बढ़ गए और टेम्परेचर भी थोड़ा डिक्रीज हो गया। देखा FPS भी बढ़ गए और टेम्परेचर भी 89-92 धीरे धीरे डाउन हो रहा है। चल सेव हो जाए गेम अपने आप इतने, क्योंकि इतने फिर बंद करने वाला फिर मैं। चलो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।